बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार से आलू के लच्छेदार पराठे। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। सर्दी का मौसम है तो सर्दियों में ही इस तरह के पराठे जो है ना खाने का मज़ा आता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैदा लिया हमने आधा किलो, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप मैदे की जगह जो है ना वो फाइन आटा भी ले सकते हैं और गंदम का आटा भी ले सकते हैं। नमक जाएगा इसमें हसबे जायका, एक चाय की चम्मच। नमक डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच। अब अच्छी तरह से हमने मैदे को मिक्स करना ताकि इसमें ऑयल और नमक जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, तो पानी इसमें हमने नीम गर्म डालना, ठंडा नहीं डालना। सर्दियों का मौसम है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा, तो इसलिए इसमें हमने नीम गर्म पानी डालना। अगर आप गर्मियों में गूंदेंगे ना तो आपने इसे टैप वाटर से गूंदना है। और इस तरह हमने इसको गूंदना जिस तरह हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं, ना ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा नरम होना चाहिए। और इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो देखिए जी, यहाँ पर मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे ताकि मैदा जो है वो नीचे चिपके नहीं। तो देखिये जी, ऑयल हमने अच्छी तरह से लगा लिया। वापिस इसके अंदर हम अपना गूंदा हुआ मैदा रखेंगे, ऊपर से इसे हम कवर करेंगे और इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तब तक हम अपना अगला काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है देसी घी 5 खाने के चम्मच। आप देसी घी की जगह कोई सा भी घी ले सकते हैं जो कि आप आम रूटीन में घर में इस्तेमाल करते हैं। मैदा जाएगा इसके अंदर 5 खाने के चम्मच। अगर हमें मैदा कम लगा तो इसके अंदर हम 1 जो है ना खाने का चम्मच और डाल लेंगे। फिलहाल हम इसके अंदर 5 खाने के चम्मच मैदा डालेंगे। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। अगर हमें कम लगा तो फिर इसके अंदर हमने बाकी का जो बचा हुआ मैदा जो है ना वो डालना है। तो देखिए जी, मैदा हमें थोड़ा सा कम लग रहा है। अब ये जो बाकी का बचा हुआ मैदा ना, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो टोटल इसके अंदर हमने डाले हैं 6 खाने के चम्मच। अब इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना, फिर इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी तरह से पड़े रहने देना ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। आजकल सर्दियां, तो सर्दियों में फौरन से ही जम जाता है। अगर तो गर्मी है ना, तो गर्मी में आपने इसके तकरीबन फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रखना ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो देखिये जी, यहाँ पर घी और मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका। अब इसे हम साइड पे करते हैं और अब हम पराठों के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो आलू लिया हमने यहाँ पर बॉयल किए हुए 1/2 किलो। आलू आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी ले सकते हैं। फॉक की मदद से पहले हमने अच्छी तरह से इन्हें मैश करना है। तो देखिए जी, आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसमें जाएंगे कुछ थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें अजवाइन जाएगी 1/4 चाय के चम्मच। अजवाइन आपने इसमें लाजमी डालनी। नमक हसबे जायका 1/2 चाय की चम्मच। चाट मसाला 1/2 चाय की चम्मच। फिर जाएगा इसमें कुटा हुआ जीरा 1/2 चाय की चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1/2 चाय की चम्मच। और कुटा हुआ धनिया जाएगा इसमें 1/2 चाय की चम्मच। अब ये सारे मसाले हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज छोटे साइज का 1, लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1 चाय की चम्मच। ये भी आपने इसमें लाजमी डालना है। थोड़ा सा जाएगा इसमें कटा हुआ पुदीना, थोड़ा सा जाएगा इसमें कटा हुआ हरा धनिया और 3 से 4 जाएंगी बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चे भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। अब अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है। तो देखिए जी, मजेदार सी स्टफिंग जो ना हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम साइड पे करते हैं और अब हम चेक करते हैं कि घी और मैदा अच्छी तरह से जो है ना सेट हो चुका है। तो देखिए जी, बगैर फ्रिज के इतनी ज्यादा सर्दी है ना, तो ये देखिए अच्छी तरह से ये जम चुका है। तो एक दफा अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। अब हमने क्या करना है कि एक प्लेट लेंगे और 1 खाने का चम्मच जो है ना भर के इस तरह हम इसको हाथ पे डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक दफा इसको हमने अच्छे से इस तरह इकट्ठा कर रहा है ताकि इसमें कोई क्रम्स वगैरह ना हो। और इसका छोटा सा हमने इस तरीके से बॉल बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टेड काम है। बस इसी तरह से हमने सारे बॉल जो है ना जरूर ट्राई करना है। तो बस इसी तरह से जो है ना बॉल हम बनाते जाएंगे। तो देखिये जी, यहाँ पर सारे बॉल्स जो है ना हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। टोटल हमारे बॉल्स जो है ना वो 7 बने हैं। 5 खाने के चम्मच हमने घी लिया था और 6 खाने के चम्मच हमने मैदा लिया था, तो जिससे हमने 7 बॉल जो है ना बनाकर रेडी किए। अब इसे हम साइड पे करते हैं, चलते हैं अपने मैदे की तरफ। तो देखिए जी, यहाँ पर मैदा जो है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सेट हो चुका है। ये देखे कितना ज्यादा ये स्मूथ बना है। ये देखे, अब एक दफा साइडों से हमने इसको हटा लेना है। ये देखे, इस तरह से अब इसकी हम करेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद इसके हमने पेड़े जो है वो बना लेने। ये देखिए, इस तरह से पेड़ा हमने उतना ही लेना जितना कि हम आम रूटीन में पेड़ा लेते हैं ना, उससे बड़ा नहीं लेना, उससे थोड़ा सा छोटा ही लेना है। तो देखिए, यहाँ पर पेड़े जो हमारे बनकर रेडी हो चुके। टोटल जो है ना पेड़े हमारे 7 बने।
अब एक पेड़ा लेंगे, इसको हमने इस तरीके से हाथों से अच्छी तरह से फैला लेना है। ये देखिए इस तरह, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, बस नॉर्मल सा ही करना है दोनों हाथों से। चाहे तो आप इसे बेलन से भी हल्का हल्का सा बेल सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमने घी का बॉल बनाकर रखा हुआ था ना, वो एक बॉल लेंगे, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरह से इकट्ठा करेंगे। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको बंद करना जिस तरह हम कचौरी को बंद करते हैं। ऊपर से इसको हमने अच्छी तरह से ट्विस्ट करना है, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा मैदा ना, इसको हमने उतार देना है, ये देखिए इस तरह से, और इसका एक अच्छा सा इस तरह से पेड़ा बना लेना, ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हमने सारे जो है ना वो पेड़े बना लेने हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर सारे पेड़े जो है ना हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। एक दफा हल्का हल्का सा इनको हमने ऊपर से इस तरह से प्रेस करना है। सर्दी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो हमने इसके अंदर घी और मैदे का मिक्सचर रखा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसलिए हमने इनको हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करना ताकि अच्छी तरह से अंदर से ये सेट हो जाए। अब हमने क्या करना है कि एक पेड़ा लेना है, हल्का सा इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट करना है, ऊपर भी करना है और थोड़ा सा नीचे भी करना है। अब इसको हमने बेल लेना है, तो इसको हमने लंबाई शेप में बेलना है, ये देखिए इस तरह से। इसको हमने गोल नहीं बेलना, साइडों से भी हमने हल्का हल्का सा इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए जी, यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसको बेल लिया। आप चाहे तो थोड़ा सा इसको और भी बेल सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसकी एक साइड पकड़ेंगे ये वाली, और इसको हमने इस तरफ को इस तरह से फोल्ड कर देना, ये देखिए इस तरह से। ऊपर से भी इस तरह इसको हमने सेट कर देना। अब दूसरी वाली साइड पकड़ेंगे और इसको इस तरफ पे सेट करना, ये देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना कि हल्का हल्का सा इस तरफ से भी हमने इसको हल्का हल्का सा बेल लेना, ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसको क्या करना कि इस तरीके से, ये देखिए यहां से हमने पकड़ना है इसको, इस तरह से दबा दबा के रैप कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। रैप भी करते जाएंगे इसको, थोड़ा थोड़ा सा लंबा भी करते जाएंगे, साइडों से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए जी, ये वाला हमारा एक पेड़ा बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि एक छुरी लेनी है, छुरी जो है वो तेज होनी चाहिए, और इसको इस तरह से इसकी आराम आराम से कटिंग करनी है। अगर छुरी तेज होगी ना तो ये बहुत अच्छी इसकी कटिंग होगी। तो देखिए जी, यहाँ पर कटिंग हमने कर ली, आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसकी लेयर्स बनी है। तो बस इसी तरह से हमने सारे पेड़े जो है ना वो तैयार कर लेने। तो देखिए जी, यहाँ पर सारे पेड़े जो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसे करेंगे साइड पे, एक पेड़ा लेंगे, मैदा हल्का सा ऊपर नीचे इसके हम डस्ट करेंगे, और इसको हमने हल्का हल्का सा बेलन से जो है ना बेल लेना। बहुत ज्यादा इसको हमने बेलना नहीं है, वरना इनकी जो लेयर्स है ना वो खराब हो जाएंगी। तो बस इस तरह से हमने आराम आराम से बेलन चलाना है ताकि इनकी जो लेयर्स है ना वो बंद ना हो। तो देखिये जी, यहाँ पर एक रोटी को हमने बेल लिया, अब इसको हम साइड पे करेंगे, और इसी तरह से हमने दूसरी रोटी जो है ना उसको भी हमने इसी तरह से बेल लेना है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे ऊपर और नीचे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए जी, दोनों रोटियों को हमने अच्छी तरह से बेल लिया। अब हमने क्या करना है कि जो आलूओं का मटेरियल हमने बना के रखा उसका एक पेड़ा बनाएंगे, और उसको हमने इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, और पूरी रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरह से इसको फैला देना। चम्मच लेंगे, उसको हमने हल्का हल्का सा पानी लगाना है, और इसको इस तरीके से ऊपर अच्छे से सेट करना ताकि आलू जो है ना अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैल जाए, और साइडों से हमने थोड़ा थोड़ा छोड़ देना ताकि दूसरी रोटी जो है ना आसानी से इसके ऊपर चिपक सके। हल्का सा इसकी साइडों पे हमने पानी लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब इस तरह से हमने इसको दूसरी रोटी के उसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना है, दबा दबा के इस तरह से हमने इसको बंद करना ताकि अच्छी तरह से ये बंद हो जाए, और फिर ये पकते वक्त खुले ना, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए जी, एक पराठा जो ना हमारा बहुत ही जबरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है, देखिए कितना जबरदस्त बना। अब इसको हमने करना है साइड पे, और इसी तरह से हमने बाकी के सारे पराठे जो है ना वो भी रेडी कर लेने हैं। तो देखिए जी, यहाँ पर सारे पराठे जो है हमने रेडी कर लिए। आप देख सकते हैं कि सारे पराठे जो है ना हमने एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, ये बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं। ये जो ऊपर वाले पराठे है ना, ये हम पकाएंगे, और जो हमने प्लास्टिक रैप में रैप किए ना, इन्हें हम जो है किसी पाइपिंग बैग में डाल के इसे फ्रीज कर लेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो निकाल कर इसको हम बना लेंगे। आप भी चाहे इसी तरह से बनाकर प्लास्टिक रैप में रैप करने के बाद इसे हम सिप लॉक बैग में डालें, और फिर इसे आप जब चाहे आप इसे
बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम तवे पे घी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे और पूरे तवे के ऊपर हमने घी को फैलाना। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे तैयार किया हुआ पराठा। तो पराठे को हमने हल्की आंच पे पकाना, तेज आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना अंदर से ये कच्चा रहेगा और ऊपर से जल जाएगा। हल्का हल्का सा इसको हमने इस तरीके से हिलाना है। तो जब इसकी एक साइड हल्की हल्की सी पक जाएगी ना, फिर इसकी साइड को जो है ना हमने चेंज कर देना है। तो साइड इसकी एक हल्की सी पक चुकी है, अब इसे हम चेंज करते हैं। अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से इसको हल्का हल्का सा पकाना है और इसको हमने हिलाते रहना, इस तरह से हल्का हल्का सा ऊपर से दबाना और फिर इसको हमने इस तरह से हिलाते रहना। फिर से साइड चेंज करेंगे। तो देखिए जी, इसकी एक साइड को हमने अच्छी तरह से पका लिया। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे घी, या देसी घी है, आप देसी घी की जगह कोई सा भी घी लगा सकते हैं जो कि आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके हम साइड को पलट देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको हला हला के इस तरह से इसको हमने पकाना है, दबा दबा के, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए जी, एक साइड जो इसकी अच्छी तरह से पक चुकी है, ये देखिए कितना जबरदस्त पराठा हमारा बनकर रेडी हुआ। अब इसकी दूसरी साइड को भी हम हल्का सा पका लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेयर्स हैं कितनी जबरदस्त हैं, वो अलहदा अलहदा हो रही हैं, ये देखें। बस इस तरह से हमने दबा दबा के इसको एक से दो मिनट के लिए पकाना है। तो बहुत ही जबरदस्त सा पराठा जो है ना हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम उतार लेते हैं। तो देखिए जी, कितना जबरदस्त किस्म का पराठा जो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हमने बाकी के सारे पराठे जो है ना वो भी रेडी कर लेने हैं। इन पराठों को आप चाय के साथ खाएं या दही के साथ खाएं, वैसे भी सर्दियां, तो सर्दियों में इस तरह के पराठे खाने का बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आपने इस रेसिपी को जो है ना जरूर ट्राई करना है। तो बस इसी तरह से हमने सारे पराठे जो है ना वो रेडी कर लेने हैं। तो देखिए जी, सारे पराठे जो है ना हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने कलरफुल, खस्ता और लच्छेदार बने हैं। तो अब हम एक पराठा तोड़ के भी चेक करते हैं कि ये किस तरह का बना है। तो देखें जी, कितनी जबरदस्त इनकी खस्ता सी लेयर्स जो है ना वो अलहदा हो रही है, ये देखें। और ये कितने मजेदार बने हैं, जब आप इसे बनाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने मजेदार हैं। तो आपने इसे जरूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।